देखो आप सड़क नहीं बना रहे, उससे पहले तोड़ने आगे सड़क बना। राजस्थान का मुख्यमंत्री भी नहीं है, जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बाईपास निकाले, कोई एतराज नहीं, सड़क के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन गांव को उजाड़ करके सड़क बनाए ये कोई किसी को मंजूर नहीं है। किसी की एक चीज भी हम तोड़ने नहीं देंगे। पहले पाछड़ी की बार पारी की बात करा, पाछड़ी के लोगों ने एक नया पैसा लिए बिगर 50 नहीं 100-100 रुपए के स्टाम्प पे लिख के दे दिया, हमारे गांव के बाहर से सड़क बना दो, जाने वालों को भी आराम होगा और गांव वालों को भी आराम होगा, लेकिन बाईपास नहीं बनाए रहे। इसी स्टेट हाईवे में दाड़ोद में बता रहे हैं, दूसरी जगह बना रहे हैं, यहां भी बाईपास बना दो, सब जगह बाईपास बन रहा है, तो फिर इन गांवों को तोड़ना जरूरी है क्या? और ये उसमें तो ये कह रहे थे कि ये केंद्र सरकार का सीआरएफ का पैसा है, ये हम इसको जमीन का पैसा नहीं दे सकते, लेकिन ये स्वीकृति तो राजस्थान सरकार की है, जो ये जेसीबी पूरा अलवाद में जा रहा है, मोलडूंगा साहब का सब बाईपास निकले। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, भाषण की जरूरत नहीं है, कोई भी कोशिश करेगा तो उसका डटकर मुकाबला करेंगे और इनके दो के चढ़े दबाने का काम करेंगे। पूछे कोई तुम्हारा घर तोड़ेगा तो क्या बीतेगी तुम्हारे मन? चाहे तहसीलदार हो, चाहे दूसरे अधिकारी हो, थानेदार जी हो, उनका घर तोड़े कोई तो राजी होंगे क्या? इसलिए मेरा तो निवेदन है कि इस एकता के साथ निश्चित रूप से अन्याय का विरोध करना ही सबसे बड़ा न्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ निश्चित रूप से आप सब एक हैं और किसी भी सूरत में नहीं टूटने देंगे। और देखो आप सड़क नहीं बना रहे, उससे पहले तोड़ने आगे सड़क बढ़ते बढ़ते आई है क्या ऐसी ग्राउंड लोसल के उत्तर, छोटी लोसल के उत्तर बनी नहीं इधर बनी, तोड़ दिए, अब सिंगरावट को तोड़ने आ गए, चलिए सरूडी को तोड़ने जाएंगे, फिर ये दूध को तोड़ने जाएंगे, मतलब इनका तो काम तोड़ने का है। और आज सड़क की मेन स्टेट हाईवे वो पड़ी हो, ये मतलब खाटा पड़े बंद तो घूमे को निराम पड़ा गया अपने दो सुन एक सिगरेट उठते नहीं, और मोर दूंगा वो सला सर एक चुनाते नहीं, वह खड्डा हूँ कोई पूरे सरकार हूँ, और आपने घर खड्डा खोदवाना है, इसलिए मुंह तोड़ जवाब देंगे, भाषणों की जरूरत नहीं है, अन्याय से लड़ने की जरूरत है, और उसमें हम आपके साथ हैं।